कि जिहड़े बंदे नाल इन्हां दा मुकाबला वो है ब्रिजभूषण सरन सिंह जिहड़ा के बाहुबली है, एक किस्म दा ब्लैकमेल भी करदा रहा, थोड़ा जिहड़ा करियर खराब हो जाऊ, बहुत कुछ कीता। 9 जून तक देता अल्टीमेटम, जे तक करना गिरफ्तार कर लो ते नहीं तो फिर 9 जून नूं असीं भी कुड़ियां दे नाल जंतर मंत्र ते बैठांगे। गल ये है प्रिय दर्शको, देश दियां वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम किया रोशन, और वो हुण बैठिया ने कुट खा रही ने, तक्का मुक्की उन्हां नाल हो रहे है। मोदी साहब बिल्कुल नहीं बोल रहे, बिल्कुल राहुल गांधी ने अमरीका तो सही ट्वीट किया है कि यह जिहड़ी है मोदी साहब की चुप बड़े सवाल पैदा करती है। हुण गल यह है कि जिहड़े बंदे नाल इन्हां दा मुकाबला वह है ब्रिजभूषण सरन सिंह जिहड़ा के बाहुबली है। पंजाब तां उहदे कॉलेज ने, मतलब इन्ना अमीर आदमी है वह। देखो साढ़े देश दे विच पैसा कमाउण लई कई किस्म दे व्यापार हुंदे ने, यह सिक्ख्या का व्यापार करता है, ते नाल उह 12 साल तो कुश्ती संघ का प्रधान सी। कुश्ती संघ दे प्रधान ते हुंदे पिछले एक दहाके तो जो पहलवानां नाल वापरदा रहा, उहदा आखर जदों सबर दा प्याला भरिया ते उहनां ने उह आए सामने कि यह साडा जिनसी शोषण करदा है ते उहदी करन दी कोशिश करदा है। FIR लॉज कराउण दी कोशिश कीती गई। एक नाबालग पहलवान उहदे पिता दी शिकायत ते FIR उदों हुई जदों सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिता कि इन्हां कुड़ियां दी गल सुनो ते FIR दर्ज करो। 28 अप्रैल नूं FIR दर्ज हुई सी। और कमाल है, एक जो हाले तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सवाल तो यही है पॉक्सो एक्ट जिहड़ा नाबालग ते लगता है, बच्चों ते लगता है, तो उस एक्ट के अधीन भी इत FIR लॉज है। और उत्थे कई किस्म दीआं धारावां लगियां ने, हुण FIR सामने आईआं ने। जदों एक औरत की जदों कोई इज्जत ते हमला करता है उस वेले धारा 354 लगती है जो ये ते लगी है। जिनसी उत्पीड़न ये ते भी, जिहड़ा सैक्सुअल हरासमेंट ते भी 354 ए लगती है, वह भी ये लगी है। किसी का पिछा करना कुड़ी का, वह भी लगी है 354 डी। मतलब बहुत सारिया धारावान, सब तो इंपोर्टेंट पॉक्सो एक्ट, लेकिन ये नहीं होया हाले तक गिरफ्तार। यही एक बड़ा मसला है कुड़ियां दी FIR दे विच बहुत कुछ है। मैं इत्थे तुहानूं नहीं दस सकदा कि उन्हां बच्चियां ने की दस्या भी ये सानूं किवें, जिहड़ा साह चैक करदे बहाने कित्थे कित्थे हत्थ लाउंदा सी, की कोशिश कीती, सप्लीमेंट देण दे बहाने नाबालग नूं किस तरह ने कहा कि तू मेरे नाल समझौता कर, कंप्रोमाइज़ कर, एक किस्म दा ब्लैकमेल भी करदा रहा, थोड़ा जिहड़ा करियर खराब हो जाऊ, बहुत कुछ कीता ये कुड़िया ने कहा। हालांकि ये जिहड़े भाषण ने उन्हां चों कदे उन्हां नूं मंत्रा कदे कुछ ये कह रहा है, ते फिर कदे कदे कह दिंदा तां मेरियां बच्चियां बराबर ने, कुछ भी होवे। लेकिन दुनिया हुण तां दुनिया, देश नहीं दुनिया देख रही है कि इन्हां नाल धक्का हो रहा है, क्योंकि ये हरियाणे दीआं कुड़ियां ने, ते हरियाणा वर्सज इस नूं जाट वर्सज बहुत जड़ा है कई किस्म दे इधर सियासी फायदे लैण दी शायद भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है, लेकिन हरियाणा च खट्टर साहब दे लई बड़े कंडे बीजे जा रहे ने। हुण भारतीय जनता पार्टी दा हरियाणा च हाल किस तरह दा होएगा ये तो समां दसेगा, लेकिन ब्रिजभूषण हाले तक नहीं फड़िया गया। दूजे पासे कल खाप पंचायतां इकट्ठियां होईयां सी, खापा की महापंचायत सी कुरुक्षेत्रा दे विच, ते उत्थे राकेश टैकैत भी सी। मैं राकेश टैकैत नूं सुनिया जदों उह टका के गल्लां कर रहे सी इन्हां दे खिलाफ, ते कह रहे सी 9 जून तक देता अल्टीमेटम, जे तक करना गिरफ्तार कर लो
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਬੋਲਿਆ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ 1983 ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕੱਪ, ਉਹ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਵਣਿਗ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵਣਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ, ਔਰ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।